लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। साथ ही शर्मा ने कहा है कि 15 साल के शासन में कई अवसरवादी पार्टी में शामिल हो गए, लिहाजा नेतृत्व अपनी नजरें ठीक रखे। परिक्रमावादी और परिक्रमावाद में नेतृत्व का अंतर समझना चाहिए। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए टिकट वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिक्रमावादी टिकट तो ले आते हैं लेकिन पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों का चयन सही नहीं हुआ था जिसका खामियाजा आपके सामने है। चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्किंग में लापरवाही देखी गई। वहीं अपने लोकसभा चुनाव लड़ने पर शर्मा ने कहा कि पिछले चुनाव में मुझे भी तैयारी करने को कहा था लेकिन मेरे साथ भी कपट किया गया। अब मैं टिकट के लिए किसी के सामने याचना करने नहीं जाऊंगा। अगर पार्टी को ठीक लगे तो वो टिकट दे वरना ना दे। आपको बता दें कि बीजेपी ने 70 साल से पार के फॉर्मूले पर यू टर्न लेने के बाद वरिष्ठ नेताओं में फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीद जागी है और वे दावेदारी पेश कर रहे हैं। इससे पहले वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने भोपाल से टिकट की दावेदारी पेश की है।